हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। तो गाइज, जो मैं NBA का जो मैच कवर करवाने वाला हूँ वो है UTA और MEM। बहुत ही अच्छा मैच है गाइज। जो ये मैच है, ये इसकी वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसमें आपको मैं एक SL और GL की ट्रिक बताऊँगा आप, जिससे GL जीतने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। जो मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दे दी थी, प्लेयरों का फुल डाटा दे दिया था। कई बंदों ने तो की भी होगी या नहीं की होगी तो वो तो पता नहीं, लेकिन टीम मेरे पास सेंड कर दी थी कि भाई भाई हमने ये टीम बनाई है, देखो एक बार। बहुत ही अच्छी टीम थी। SPP मतलब जिस बंदों ने बहुत ही कम बना रखा था वो ले रखा था उन्होंने, तो बढ़िया टीम थी। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि गाइज, अगर वीडियो देखना है तो पूरी देखो, बीच में स्किप मत करो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए ले चलता हूँ मैं आपको पॉइंट टेबल पे एक बार फिर से। तो गाइज, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दिया पॉइंट टेबल। ये दोनों टीमों का पॉइंट टेबल है, आप यहाँ से इनका स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको SPPP वही बनाने हैं जो सबसे ज़्यादा खेलते हैं, सबसे ज़्यादा जो मिनट जो भी प्लेयर खेलता है वही SPPP ट्राई करना। जैसे कि अब ये जे मोरेंट मोरेंट है, 43 मिनट इसने खेला है और 23 पॉइंट दिए हैं अभी तक। तो मतलब इसके SP का बनाने का ये होता है कि जो अगर ज़्यादा खेलेगा तो ज़्यादा पॉइंट बनेंगे, कम खेलेगा तो कम पॉइंट बनेंगे। और यहाँ से इधर देख लेते हैं, यहाँ पे डी मिचेल है, ये 35 मिनट खेला है और 30 पॉइंट दे के गया है। तो मतलब इसको आप SP ट्राई कर सकते हो। पिपी इसके जे मोन्ट्रो इसको ट्राई कर सकते हो या इसको SP बना सकते हो। तो गाइज, आप है ना इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जैसे ही टीम अपडेट करोगे तो तब आप एक बार देख लेना भाई कौन कौन से प्लेयर चल रहे हैं। तो वहाँ से आप इनको एक बार ये ज़रूर देखना कि GL बनाओ, तब भाई कौन सा प्लेयर कितनी मिनट तक खेल रहा है और कितने पॉइंट दे रहा है, ये हिसाब। अभी इसको ले लोगे, ओ नेलन को है 35 मिनट खेला, 9 पॉइंट दिए हैं। तो इसको SP बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसे टीम में रख सकते हो GL के लिए, क्योंकि आपको अच्छे पॉइंट कवर करवा के दे सकता है। तो चलो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको सीधे टीम पर जो मैंने आज की टीम बनाई है। तो गाइज, मैं पहुंच चुका हूँ सीधे अपने ड्रीम इलेवन पे, जो मैंने टीम आज लगा रखी है। तो मैंने यहाँ से सबसे जो PG है, यहाँ से मैंने सबसे ऊपर जे मोरेंट को ले रखा है। तो यहाँ बढ़िया पिक है इसको। SP तो लगभग बंदों का यही लगेगा। डी मिचेल है, डी बेनी है, डी बुक्स है, ब्रुक्स है, के एंडरसन है, जे जैक्सन है, ओ निलेन है, डी फेवर्स है। तो यहाँ से मैंने ये पिक किए। अभी मेरे पास क्रेडिट बचा हुआ है 1.5 का। तो मैं देखूँगा कि जब लाइनअप आएगा तब मैं देखूँगा कि भाई कौन सा प्लेयर इसमें मिस है जो खेल नहीं रहा, तो उसके थ्रू मैं इसको भी कवर कर दूंगा। तो मैं मेरे पास क्रेडिट इशू बचता ही नहीं जब भी मैं टीम बनाता हूँ, तो इसमें क्रेडिट इशू आएगा। तो आपको मैंने जो डाटा दिया आप उनका स्क्रीनशॉट लेके और एक बार टीम बना के खुद देखो। तो गाइज, आप खुद बनाओगे तो तभी आप जीत सकते हो, क्योंकि मैंने तो बना के छोड़ दी। जैसे मैंने टीम डाल दी, यहाँ से मैंने इसको पिक नहीं कर रखा, जैसे कि इसको पिक नहीं कर रखा, यहाँ इसने ले लिया। तो आप ये सोचो कि भाई ये बंदा इतनी मिनट तक खेल रहा है तो मुझे पॉइंट दे सकता है। तो आप सीधे इसको हटा के इसको पिक करोगे और इसको SP बना दोगे। ये चल गया, आपको 50 पॉइंट दे दिए, SP बना रखा, डायरेक्ट 100 पॉइंट हो गए। तो आपकी तो GL आसानी से लग जाएगी। तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरी देखो, अच्छी तरीके से देखो, इस बंदे ने क्या क्या बताया है, क्या क्या इसने इन्फॉर्मेशन दी है, कौन कौन से प्लेयर कितनी देर खेल रहे हैं या क्या पॉइंट दे रहे हैं। आप फुल देखोगे तो आपको फुल समझ में आ जाएगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। और जो अभी ये फाइनल टीम है, नहीं फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ।